90% जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान कर रहे हैं ना, वो इसी की वजह से कर रहे हैं। ये जो थीटा डीके होता है ना, बहुत सारे लोगों को ये चीज पता ही नहीं होती है कि थीटा डीके के कारण जो आपका प्रीमियम होता है वो जीरो होने लगता है, और आप जिस कॉल या पुट को होल्ड करके बैठे हो वो अंततः जीरो होने वाला है और कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे करके जाएगा। अगर आपने ये चीज पता कर ली, एज ए ऑप्शन ट्रेडर आप काम करते हो मार्केट में, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि मार्केट में ऑप्शन ग्रीक किस तरीके से काम करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे एक और नई लर्निंग वीडियो के अंदर। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेल्टा किस तरीके से काम करता है और डेल्टा का आप यूज करके मार्केट से किस तरीके से प्रॉफिट निकाल सकते हो, और आप अपने ट्रेड जो होता है उसका जो प्रीमियम होता है वो सही प्रीमियम किस तरीके से चुन सकते हो। लेकिन इस वीडियो के अंदर में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भी आपका प्रीमियम डीके होता है, आपने देखा होगा कि कई बार मार्केट ना जब ट्रेंड ही नहीं होता है, मार्केट इस तरीके से साइडवेज रेंज बाउंस होता है, तो उस कंडीशन में आपका जो भी प्रीमियम होता है तो वो प्रीमियम आपका क्या होने लगता है, जीरो होने लगता है। धीरे 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 जो उसका ग्राफ है वो आपको नीचे आता हुआ दिखाई देता है। कई बार हालांकि मार्केट ऊपर जाता है लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो प्रीमियम का चार्ट आप देखते हो तो वो धीरे धीरे जीरो की तरफ में बढ़ रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे ये जो थीटा का नियम है वो लागू हो जाता है। सो इस वीडियो के अंदर में आज हम लोग यही चीज समझेंगे कि किस तरीके से आप थीटा डीके का जो है फायदा उठा सकते हो और इसका सही इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए दोस्तों, डेल्टा जो होता है ना वो होता है अगर आप बायर हो, ठीक है, ऑप्शन बायर के फेवर में होता है, ठीक है, तो ये होता है ऑप्शन बायर के फेवर में। लेकिन जो थीटा होता है वो सेलर के फेवर में होता है। तो अगर आप ऑप्शन बायर की तरह काम करते हो तो आपके लिए यहाँ पे बना है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। सेलर क्यों इसका फायदा उठाते हैं, देखो मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट ना, जैसे मान लो कि मार्केट इस तरीके से ट्रेंडेड रहा और उसके बाद में जब मार्केट साइडवेज हो जाता है, ठीक है, कहीं कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है, तो उस कंडीशन में आपका जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे जीरो होने लगता है। और जो प्रीमियम जीरो होने की कगार पे आ रहा है वो सारा का सारा पैसा किसको जाता है, सेलर को जाता है। मतलब कि आपका जो भी नुकसान हो रहा है वो सेलर को प्रॉफिट में जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग समझ रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले एक चीज और बता देता हूं कि अगर आपने हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल को अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। सो उसके अंदर में जो भी लाइव मार्केट का एनालिसिस होता है बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये जो थीटा डीके होता है ये काम किस तरीके से करता है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो आप ऐसा समझ सकते हो कि मान लो कोई एक आइस क्यूब है, ठीक है, मान लो ये एक आइस क्यूब है और ये आइस क्यूब जो है धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे टाइम के साथ में पिघलने लगता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। तो ये जब मेल्ट हो रहा है तो ये टाइम के साथ में हो रहा है। अब मान लो कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है, जैसे अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो हर एक बुधवार का उसका एक्सपायरी होता है, ठीक है, जो एक्सपायरी होता है तो उस दिन उसका जो प्रीमियम होता है भले ही कॉल का हो चाहे पुट का हो। अब देखो मार्केट जब ऊपर की तरफ में बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉल को बाय कर लेते हैं, जब मार्केट नीचे की तरफ में गिरता है तो हम लोग पुट बाय करके बैठ जाते हैं। तो वहां पे जो प्रीमियम होता है वो जीरो की तरफ में खास करके एक्सपायरी वाले दिन क्यों होने लगता है, क्योंकि ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जब भी ये आप जो प्रीमियम का चार्ट देखते हो, ठीक है, तो प्रीमियम के चार्ट में कुछ इस तरीके से होता है, जैसे मान लो कि हर एक गुरुवार को, ठीक है, तो हर एक गुरुवार को नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है क्योंकि हर बुधवार को एक्सपायरी होती है तो अगले दिन नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो गुरुवार से ये रूल लागू हो जाता है, धीरे धीरे जो थीटा होता है वो यानी कि कम होने लगता है, मतलब कि जो थीटा होता है उसमें डिकेइंग आता है। लेकिन एक टाइम के बाद में अचानक से क्या होता है, जो प्रीमियम है वो आप देखते हो कि अचानक से नीचे गिर जाता है, मतलब कि जो थीटा डीके होता है वो बहुत फास्ट होने लगता है, खास करके आप देखते हो एक्सपायरी वाले दिन। तो जब भी आप ट्रेड करते हो, जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आप जो भी स्ट्राइक सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, मान लो कोई भी स्ट्राइक आप सेलेक्ट कर रहे हो तो ये जो स्ट्राइक होती है ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जब भी हमने जो है ऑप्शन चेन वाला वीडियो किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर में एक होता है एटीएम, एक होता है ओटीएम और एक होता है हमारा आईटीएम, ठीक है। तो ये तीन चीजें होती है और इसकी वजह से ही मार्केट में आप देखते हो कि एटीएम जो होता है
ये क्या होता है, जहां पे भी बैंक निफ्टी निफ्टी या फिर कोई भी इंडेक्स चल रहा होता है उसको हम लोग एट द मनी का बोल देते हैं। ठीक है, तो मान लो कि इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है, मान लो कि बैंक निफ्टी जो है अभी मान लो 50,000 पे चल रहा है, ठीक है, 50,000 पे चल रहा है, और यहाँ पे जो चल रहा है ये क्या हुआ, एटीएम हुआ। अब मान लो कि इससे आगे आने वाले जितने भी स्ट्राइक होंगे ना, जैसे कि आपके हो गए 50,200 का, ठीक है, 50,200 का अगर आप सोच रहे हो कि कॉल ऑप्शन आप बाय करो, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो आपके लिए ओटीएम का स्ट्राइक हो जाएगा। वहीं अगर आप 49,000, ठीक है, 49,800 की बात करोगे तो ये आपका इन द मनी का कॉल ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो थीटा डीके होता है आईटीएम और एटीएम में, ओटीएम के कंपेयर में कम थीटा डीके होता है, यानी कि आप जैसे जैसे डीप आईटीएम में आप जाते जाओगे तो वहां पे आपका जो थीटा डीके होता है वो लगभग लगभग, ठीक है, लगभग लगभग जीरो के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि आपका नेग्लिजिबल थीटा डीके लागू होगा, लेकिन उसके लिए उतना ही ज्यादा आपको जो प्रीमियम है वो पे करना पड़ेगा। तो एक बात आप समझ लो कि अगर आपको मार्केट में बाहर की तरह काम करना है तो आपको हमेशा, ठीक है, हमेशा ही आपको या तो एटीएम में काम करना है या फिर आपको क्या करना है वहां पे इन द मनी में काम करना है। ठीक है, इन द मनी में क्यों काम करना है उसका भी रीजन मैंने आपको बता दिया है कि वहां पे आपका जो थीटा डीके होगा वो बहुत ही कम लागू होगा और उसी वजह से आपका जो प्रीमियम होगा वो बचा रहेगा, आपका जो प्रीमियम है वो जल्दी से मेल्ट नहीं करेगा, और मेल्ट नहीं करेगा तो आपका नुकसान भी नहीं होगा। कई बार आप देखते हो कि मार्केट ना इस तरीके से ट्रेंडी होता है, ठीक है, मार्केट ट्रेंडी होता है, लेकिन जो प्रीमियम का चार्ट है उसके अंदर में कोई भी हलचल नहीं होती है, कोई भी मोमेंटम उसमें नहीं होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा होता है, डीके हो रहा होता है। तो इस चीज को अपने को समझना है अच्छे से कि ये जो थीटा डीके होता है ना, इसको किस तरीके से मार्केट में अपने को अप्लाई करके चलना है। तो आई होप कि ये चीज जो भी मैंने आपको बताई है वो आपको क्लियर हुई होगी और कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। ठीक है, सो नए वीडियो में हम लोग कुछ नई बातें करेंगे, आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।